नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज अग्रवाल। आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल गार्डनिंग विद माय पैशन का हिंदी वर्जन। दोस्तों, बहुत लोग ने मुझे पूछते हैं कि ये पत्ते जो हैं आपके पौधे के पत्ते पीले पड़ जाते हैं। वैसे तो पत्ते अगर जब पुराने हो जाते हैं, थोड़ी एजिंग हो जाती है, तो पैसे नॉर्मली पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए कितने सारे पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं। तो मैं आपको 5 ऐसे रीजन्स और सॉल्यूशंस बताऊंगा कि इसमें से आपके पत्ते पीले होकर गिर रहे हैं। ये देखिए पीले होकर गिर जा रहे हैं, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। विशेष करके जो गर्मी का दिन होता है या फिर आपका जो बरसात का दिन होता है, यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो मैं आपको एक एक करके रीजन बताता हूँ, उसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आपके बहुत सारे पौधे में, विशेष करके गुड़हल के पौधे में और तरह तरह के, ये चांदनी का पौधा है, इसमें भी पीले पड़ रहे हैं, और भी तरह तरह के पौधे में पीले होते हैं। तो पहला रीजन है कि गर्मी के दिन में आपको पीले होने के कारण होता है, अगर आप पानी कम देते हैं तो उसमें क्या होता है, पत्ते सिकुड़ जाते हैं, इसमें पानी नहीं रहता है। और पत्ते जब गर्मी के वजह से, पानी नहीं देने की वजह से पत्ते पीले पड़ेंगे, तो देखिए पहले पत्ते पीले पड़ेंगे, उसके बाद बहुत पतले पापड़ के जैसे होतेंगे, हाथ से क्रंच करेंगे तो वो चूर मुचूर हो जाएंगे, पाउडर टाइप का बन जाएंगे थोड़ा सा, तो वो हो जाता है, पानी नहीं रहने से। दूसरा रीजन है ये बरसात के रीजन में, देखिए ये पानी जो है यहाँ पर आके जम जाता है, बिल्कुल ये पानी का निकास नहीं होता है। इससे क्या होता है, इसमें जो मिट्टी के अंदर की जो जगह है, इसमें जो स्पेस है, वहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन उनको मिल नहीं पाता है। उसकी वजह से क्या होता है, उसका जो न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स अपटेक नहीं हो पाता है। उसकी वजह से जो मैग्नीशियम है, आयरन है और पोटास है, उस तरह के जो है वो नहीं हो पाते। तो आपको टाइम टू टाइम इसको निकास होना भी जरूरी हो जाता है। इस तरह के देखिए नीचे छेद होना जरूरी है ताकि इसमें से पानी आसानी से निकल सके। और इसका जो सॉइल मिक्सर है, सॉइल मिक्सर बहुत अच्छा होना चाहिए ताकि इसमें से इंस्टेंट, ये देखिए यहाँ पर पानी एक भी जमा नहीं है, यहाँ पर सारा एकदम सूखा पड़ा है, लेकिन यहाँ पर देखिए पानी जम गया है। तो आपके इस तरह की सॉइल मिक्सर होना चाहिए कि आपका इंस्टेंट पानी साथ साथ निकल जाना चाहिए। यहाँ से पानी निकलता नहीं है, तो इसका ये हो गया है, तो इस तरह से पत्ते गिर जाते हैं। तो इसको मैं कुछ दूसरा रीजन कि पानी जम जाना है, ये आपको ध्यान रखना है कि इसके सॉइल जो मिक्सर है ये प्रॉपर होनी चाहिए। और तीसरा ये बहुत बड़ा रीजन होता है कि इसमें पोटास की कमी हो जाती है। पोटास की कमी अगर हो जाती है, पोटास जो पोटासियम होता है, ये हमारे यहाँ जो पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास मिलता है या फिर म्यूरेट ऑफ पोटास मिलता है, इस तरह का पोटास होता है, ये लाल रंग का, देखिए नमक का जैसा, लाल रंग का नमक का जैसा होता है। आपको क्या करना है, एक बोतल में पानी लेके करीब आधा लीटर या एक लीटर पानी लीजिए, आधा चम्मच आपको इस तरह से पोटास जो है इसमें से आप मिलाइए, डाल लीजिए पोटास इसमें से करीब आधा चम्मच। मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, हल्का लाल रंग का ये लिक्विड बन जाएगा। करीब 2-3 मिनट आप इसको सेक कर लेंगे अच्छी तरह से, ये इस तरह का पोटास ये हो जाएगा। ये पोटास अगर आप यूज करेंगे तो आपके जो पौधे हैं, ये जो पीले पत्ते हैं, ये पीले पत्ते की जितनी भी जो प्रॉब्लम है सारी करीब करीब खत्म हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, आप पोटास को इस तरह से पानी डाल दें, हफ्ते में एक बार इस तरह का पोटास का पानी डाल देंगे तो आपके पत्ते का जो पीलापन है ये काफ़ी खत्म हो जाएगा, इस तरह का हरा भरा आपका हो जाएगा। अगर आपके पास पोटास नहीं है तो आप इस तरह के केले के छिलके लीजिए, केले के छिलके में काफ़ी मात्रा में पोटास होता है। आप इस छिलके को अच्छी तरह से धूप में 5-7 दिन सुखा लें, या फिर कढ़ाई में आप अच्छी तरह से सेक लें, इस तरह के जो छिलके, सिर्फ छिलके लें आप, छिलके में पोटास काफ़ी अच्छे सेक लेने के बाद इसको आप बिल्कुल पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के लिए, बनाने के बाद आप एक एक चम्मच लेके हफ्ते में एक दिन आप मिट्टी में डालें। चौथा कारण ये है कि आपके पत्ते में काफ़ी टाइम मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। मैग्नीशियम से कमी से क्या होता है, इसका जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल नहीं बन पाता है, इसे हरा जो कणा है जिसे ये खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो नहीं हो पाता है। तो मैग्नीशियम और कभी कभी सल्फर की कमी हो जाती है, तो सबसे अच्छा है मैग्नीशियम सल्फेट। इस तरह का केमिस्ट की शॉप में या कोई भी खाद की जो दुकान है उसमें मिल जाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, इसको एप्सम सल्ट कहते हैं। एप्सम सल्ट आप लें इसमें, और एक स्प्रेयर में लेके आधा चम्मच करीब आप एप्सम सल्ट ले लें, आप आधा चम्मच इसमें एप्सम सल्ट डाल लें, आधा चम्मच एप्सम सॉल्ट डाल के आप अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और सल्फर दोनों होता है, मैग्नीशियम सल्फेट होते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें, सेक कर लें, ये मैग्नीशियम सल्फेट का जो है आप अच्छी तरह से हफ्ते में एक बार आप अच्छी तरह से स्प्रे कर दें पूरे इसको पत्ते को, और इस तरह से आप स्प्रे करें। और उसके बाद आप जो बचा हुआ पानी है आप इसके ऐसे एक्सेस पानी को गिरा दें हम, और जब मिट्टी सूख जाए तो अब इसमें से थोड़ा सा जो बचा हुआ है मैग्नीशियम सल्फेट का पानी, एप्सम सॉल्ट का पानी इसमें डाल दें, और हफ्ते में एक बार करेंगे तो आपकी जो मैग्नीशियम की कमी है, सल्फर की कमी है, सारी खत्म हो जाएगी और पत्ते बिल्कुल सही हो जाएंगे।
और पांचवा जो रीजन है सबसे बड़ा रीजन कि वो ज्यादातर गर्मी में होता है, काफी सारे पत्ते विशेष करके गुलाब के फूल में और काफी सारे फूल के जो पत्ते होते हैं उसमें क्या होता है माइट्स जो होते हैं रेड स्पाइडर माइट लग जाती है पत्ते के नीचे, देखिए आप हल्का लालपना होता है लाल ताल टाइप का हो जाता है, उसके बाद ये पूरा पीला पड़ जाता है पत्ता और उसके बाद झड़ जाता है, उसमें फूल भी नहीं लगते। तो रेड स्पाइडर माइट की वजह से भी काफी सारे पत्ते पीले हो जाते हैं, वो विशेष करके मई जून के महीने में बहुत जब गर्मी पड़ती है तब कर सकते हैं। तो इसलिए आप क्या करना पड़ता है एकरीसाइड, कुछ में इंसेक्टिसाइड आती है कोई भी एकरीसाइड, बहुत सारे वाइट या बहुत सारे नाम से आते हैं, उसका एक ml लेके आप एक लीटर में पानी डाल के हफ्ते में 5 दिन 7 दिन में एक बार स्प्रे कर दे तो आपका जो पूरा पत्ती का जो पीलापन है वो खत्म हो जाएगा। ये 5 रीजन आपको मैंने बताया, अगर आपके पत्ते में इस तरह का प्रॉब्लम है या फिर इस तरह का है तो आप ये 5 रीजन के लिए ये पत्ते पीले पड़ रहे हैं ये 5 रीजन के आप ठीक ठाक कर लीजिए तो आपका कोई भी जो प्रॉब्लम है पत्ता पीला होने का वो नहीं होगा। तो ये रहा 5 तरीका, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए। गार्डनिंग इज माय पैशन हिंदी भाषा में नए हैं तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं लाता रहता हूँ। आपको इस चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।